नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। नगर सुल्तानपुर में बीते 3 दिन पूर्व रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास राम मंदिर चौराहे के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में 5 आरोपियों द्वारा गैस कटर की सहायता से एटीएम में केतली डालने का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना नगर के नागरिक द्वारा पुलिस को दी गई, जिससे पुलिस ने बिना देर किए हुए मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस को मौके से गैस कटर प्राप्त हुआ। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय रायसन विकास कुमार सहवाल के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसन अमृत मीणा के मार्गदर्शन में प्रभारी एसटीओपी बाड़ी रवि शर्मा के द्वारा थाना प्रभारी रंजित सराठी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश प्रारंभ की गई, जो कि दिनांक 18/11/2022 को पुलिस को मुखबिर की सूचना पर उक्त हुलिया का व्यक्ति काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ मिला, जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम शब्बीर पिता ईद मोहम्मद निवासी ग्राम जिला सिलखेड़ी थाना धोज तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद हरियाणा का बताया। वही एसटीओपी बाड़ी रवि शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसने वही कपड़े और जूते पहने थे जो घटना के समय सीसीटीवी फुटेज में पहने हुआ था। वही आरोपी से पूछताछ करने पर बताया गया कि सुल्तानपुर का ही रहने वाला मुजफ्फर, जिससे उसकी पहचान लगभग 3 महीने पहले फरीदाबाद में हुई थी, उसने बताया कि सुल्तानपुर में एक एटीएम गली में है, जिसे लूटा जाना काफी सरल है। वही आरोपी द्वारा एटीएम जिसे लूटने के उद्देश्य से गैस कटर एटीएम के अंदर रखा और शटर गिराया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक 5 आरोपी वहां से भाग कर चले गए। वही पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं 4 आरोपियों की तलाश जारी है। वही पुलिस टीम में निरीक्षक रंजीत सराटे, उप निरीक्षक आशीष चौधरी, उप निरीक्षक अमर सिंह धाकड़, सुंदरलाल भलावी, राधेश्याम रघुवंशी, राहुल चोरसे, देवेंद्र जादोन, आनंद शर्मा, धर्मेंद्र आटले की सराहनीय भूमिका रही। साथ ही नगर के नागरिक असद खान और नितेश पटेल ने पुलिस को सहयोग प्रदान किया, जिससे आरोपियों द्वारा एटीएम को लूटने की वारदात असफल हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को और क्षेत्र के सहयोग करने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई। सुल्तानपुर से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। के दरमियान रात को सुल्तानपुर कस्बे में राम मंदिर चौराहा जो है वहाँ पर एक एटीएम है, एसबीआई एटीएम, उसमें डकैती का प्रयास हुआ है। डकैती का प्रयास को विफल कर दिया गया। इसमें पुलिस की एक्टिवनेस के साथ साथ जो लोकल नागरिकों का सहयोग है सुल्तानपुर का, वो भी हमको मिला। एक जिम्मेदार नागरिक सद्दाम अली जी ने हमको सूचना दी कि एटीएम के आसपास कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, जिस पर हमारी गश्त पार्टी जो गश्त कर रही थी वहाँ पर पहुँची और उस दौरान आरोपी वहाँ से फरार हो गए। तुरंत हमने एटीएम का सीसीटीवी फुटेज बुलवाया। फुटेज के आधार पर उसमें हमको 2 संदिग्ध दिखाई दिए। संदिग्ध की तलाश लगातार की जा रही थी। आज हमको संदिग्ध के बारे में सूचना मिली और उस आधार पर एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। आरोपों की गिरफ्तार करने पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो कुल 5 लोग थे जो फरीदाबाद के रहने वाले थे। एक व्यक्ति उनमें से सुल्तानपुर का है जो काफ़ी टाइम पहले फरीदाबाद में जाकर बस गया किसी काम के सिलसिले में। 5 लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस एटीएम को सेफ मानते हुए चोरी की दृष्टि से, कि चूंकि वो अंदर गली में है और वो उनके लिए आसान होगा चोरी करना, उसमें इस आधार पर वो लोग अपना पूरा सामान लेकर आए थे। गैस कटर, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर वो लोग लेकर आए थे, गैस कटर था और उससे उनका प्रयास था। पर चूंकि सूचना तुरंत पुलिस को मिल गई और उस आधार पर पुलिस ने जाके उस घटना को विफल किया और बाद में यहाँ के नागरिकों के सहयोग से फुटेज के आधार पर वेरीफाई करते हुए एक आरोपी को हमने अभी गिरफ्तार किया है। सर, इसमें चोरी की बाइक भी सुनने मिली है। हाँ, वो लोग सबसे पहले पलवल से ट्रेन के थ्रू आए थे भोपाल। वो भोपाल उतरने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक बाइक चोरी की थी डीबी मॉल के सामने से, जिसकी एफआईआर भी वहाँ पर एमपी नगर थाने में है, हमने पता करवाया है। तो उस बाइक को वो लोग यहाँ पर लेके आए थे और वो आरोपी जो हमने गिरफ्तार किया है उसके पास से वो बाइक भी बरामद हुई। सर, इसमें कोई बड़े गिरोह का अंदेशा लग रहा? अभी प्रारंभिक तौर पर हमको एक आरोपी मिला है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। चूंकि ये लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और इतनी दूर से आके इतने सुसज्जित अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ के आगे वारदात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि और घटनाएं इन्होंने कहीं पर की होगी एटीएम से रिलेटेड। तो अन्य आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तो उस आधार पर और कार्रवाई इसमें की जा सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।